हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है? मैं तो सब खैरियत होंगे, तो आपको मिलते हैं नए ब्लॉग में, तो मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही प्यारा सनशाइन, सूरज निकला हुआ है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा वेदर है। जुलाई का महीना है और पुर्तगाल बहुत तप रहा है। कराची पाकिस्तान में तो सब बारिशें हो रही हैं, यहाँ पर भी काफ़ी बारिशें रही हैं पिछले वीक, लेकिन इस वीक काफ़ी अच्छा वेदर है। और मुझे अब अंदाज़ा हो गया कि ये लोग सन को इतना लाइक क्यों करते हैं। जैसे हम पाकिस्तान इंडिया में देख लें, बहुत बारिशें, मतलब बहुत गर्मी होती है, जब वहाँ बारिश होती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि यार वेदर अच्छा हो गया। तो यहाँ भी यही है कि यहाँ इतनी बारिशें होती हैं और सन बहुत कम आता है, तो लोग इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। जब सन आता है तो ये खूब इंजॉय करते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ जो है ना अगस्त का, उसमें यहाँ इनकी हॉलीडेज़ हैं, दो हफ्ते की हॉलीडेज़ हैं, तो ये इसको फुल एंजॉय करेंगे। इनके पास ये दो तीन महीने होते हैं फुल समर, जिसमें ये एंजॉय करते हैं। तो मैं भी आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा, प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। ज़बरदस्त किस्म की गर्मी चल रही है, बहुत अच्छा सन निकला हुआ और जैसा कि आप देख सकते हैं। वो मैंने विंटर काफ़ी बड़ा विंटर मैंने जो है ना यूके के अंदर गुजारा है, वहाँ भी बहुत ठंड होती है, लेकिन वहाँ पर भी दो तीन महीने आपके समर के आते हैं, जिसमें ये लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। यूके के अंदर क्रिकेट होती है और इस तरह, और इसके अलावा साउथ कोरिया के अंदर, तो माय गॉड, मैंने इतनी सर्दी अपनी लाइफ में नहीं देखी। वहाँ पर मैंने -25 -30 मैंने वहाँ पर, मतलब ये मैंने खुद वहाँ पर मैं रहा हूँ और मैंने खुद उसको जो है ना बेयर किया। तो मतलब हम लोग बहुत लकी हैं, अल्लाह का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान में जो है ना वो चारों वेदर मिलते हैं और बहुत अच्छे वेदर मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी जो है ना खुश रहते हैं। तो अल्लाह की नेमतों का जो है ना वो उसका शुक्र अदा करें, ना कि आप उसकी नाशुक्री करें। अगर आप नाशुक्री करेंगे तो फिर जो है ना वो आप कभी पूरा नहीं पाएंगे। तो किसी भी आप मुल्क में चले जाएँ, आपको वेदर के साथ एडजस्ट होना पड़ता है, फिर जॉब्स होती हैं, फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती हैं। तो आज मेरी वैसे छुट्टी है, वैसे मेरा वीकेंड पे काम होता है और इसीलिए मैं जो है ना वो ब्लॉगिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाया करें कि आपको फ़ौरन मेरी जिस तरह मैं वीडियो अपलोड करूँ और आपको नोटिफिकेशन आए और आप देखें और लाइक करें। तो अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे जमशेद भाई हैं, ये जर्मन से आए हैं, और ये हमारे पीछे दो भाई हैं, ये शाह साहब हैं और दूसरे भाई का नाम। जा रहे हैं अभी, आपको पता है हम हैं पुर्तगाल में, और पुर्तगाल में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। तो अभी हम लोग एडमिशन के लिए जा रहे हैं, यहाँ स्कूल में एडमिशन करवाएंगे अपना पुर्तगीज लैंग्वेज का, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब आप जब नेशनैलिटी के करीब होते हैं तो आपको यहाँ का पुर्तगीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है, तो उसके लिए फिर टेस्ट होता है आपका ना। तो अगर आपने पुर्तगीज लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है, ये गवर्नमेंट का रिकग्नाइज इदारा है, ये आपको देता है। तो अगर आपने कोर्स किया हुआ है इन इदारों से, तो आपको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोसेस तो काफ़ी लंबा है, 5 साल लग जाते हैं PR लेने में, लेकिन फिर भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। तो इन वक्त पे बड़ा मुश्किल हो जाता है सब चीज़ें एक साथ जमा करना। तो आज हम जा रहे हैं एडमिशन के लिए पुर्तगीज लैंग्वेज के लिए, तो इसलिए मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन साथ साथ देते रहें, अपना ख्याल रखें। ये है जी इनका स्कूल, हम पहुंच गए स्कूल के बिल्कुल पास, तो फिर आपको बताते हैं एडमिशन करवा के। ये देखें जी, ये हम लोग पहुँच गए, ये है जी इनका स्कूल नेम, और अभी जाते हैं अंदर बताते हैं। ये जी हम लोग आ गए स्कूल के अंदर, ये सामने जो डोर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ एडमिशन होता है, एडमिशन करते हैं, दिखाते हैं आपको। अब एडमिशन की बात चल रही है, देखें ये देखें जी फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं इन सब भाइयों का, तो इंशाल्लाह क्लासेस अब सितंबर में स्टार्ट होंगी। ईद भी बहुत करीब करीब है और पाकिस्तान में तो ईद का मज़ा ही कुछ और है, ख़ास तौर पे जो ईद उल अज़हा होती है, बकरीद जिसको कहते हैं, उसमें बहुत हम इन्जॉय करते थे। बैल अपने मतलब बैल वगैरह लेके आना, मंडी जाना, तो आपको पता है यूरोप में ये सब चीज़ें नहीं होती है, सिर्फ हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसी कंट्री में ये होती है।
तो जिस दिन पाकिस्तान में ईद होगी उस दिन भी मेरा काम है, और जिस दिन यहाँ ईद होगी उस दिन भी मेरी जॉब है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जब आप अब्रॉड आते हैं तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। एनीवे सबको एडवांस ईद मुबारक, इंशाल्लाह ईद वाले दिन का व्लॉग भी बनेगा, और जब हम काम से वापस आएंगे या जब जॉब पे जा रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपसे फिर ईद वाले दिन भी मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ईद को अच्छे से इंजॉय करें, सुन्नत इब्राहिमी करें, और जिस पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तेआत है तो अपना भी ख्याल रखें, और मज़े मज़े का बारबेक्यू बनाएँ, खाएँ और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।